अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चों? क्लियर जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई हमें बताएगा? लास्ट क्लास में गुड। ओके सर, डबल वॉइस। वालेकुम सलाम। टेबल, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्लियर हो जाता है तो आप उसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, मार्कशीट, ठीक है, आपने देखा उसके अंदर भी टेबल यूज हुआ था, टाइम टेबल जो आपका बनता है, डेट शीट आपकी जो बनती है, ठीक है, इवन कि हम सीवीज जो बना रहे होते हैं या कोई इस तरह से इनविटेशन कार्ड, तो हम टेबल का भी यूज करते हैं। क्यों यूज होता है? अभी तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेबल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मर्ज सेल क्या होते हैं, स्प्लिट सेल क्या होते हैं, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको शेडिंग के बारे में बताया गया था, रो डिस्ट्रीब्यूट, कॉलम डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बताया गया था, रो हाइट, ठीक है, रो की हाइट आपको बताई गई थी, कॉलम की विड्थ आपको बताई गई थी, इसी तरह से अलाइनमेंट्स के बारे में बताया गया था, रेजर के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने टेबल में देखी। आगे जाके आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हम टेबल पे इतना ज़्यादा मैंने फोकस क्यों किया था, तो देन तब जिनको अभी थोड़ा सा डाउट है तो उनको क्लियर हो जाएगा। तो असाइनमेंट देने का मकसद ये होता है कि ताकि आप ना उस टूल्स की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वरना असाइनमेंट्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्लासेस हो रही होती तो फिर तो हम हैंड टू हैंड चेक कर लेते हैं, देन आपके असाइनमेंट्स के थ्रू हम चेक करते हैं, आपको एडजस्टमेंट करते हैं कि किसको कितना समझ में आया। आपने देखा भी होगा कि जो भी असाइनमेंट्स होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो कुछ हाफ, ठीक है, सम टाइम फुल भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, और सम टाइम हाफ टेबल क्रिएट जो भी हमने असाइनमेंट्स आपको दिए होते हैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद हम आगे भी सीखेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों का साथ रहा। वॉइस डबल आ रही है, मैं टेक्निकल टीम से, वॉइस नॉट क्लियर सर्कल, मुझे सही से समझ नहीं आया, वॉइस नॉट क्लियर। मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा तो जरा ये आवाज़ चेक कर लें कि आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस नॉट क्लियर, और डबल वॉइस का मैसेज आ रहे हैं। तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी, टाइम बहुत शॉर्ट है तो हम आगे की तरफ मूव होते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, वैसे तो हमारे तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि इसके ऊपर हमने पेंट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की थी, इसी वजह से अब ये वाला टॉपिक आपको बहुत मज़ा आएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
वर्ड ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा जो हमारा न्यू टॉपिक है शेप्स का है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेबल का आज ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने इतना फोकस टेबल पे क्यों किया था। तो थोड़ा सा आपने फोकस करना है, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेबल के ऊपर हमने इतना फोकस क्यों किया था। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेम्पलेट्स के बारे में बताया गया था, ठीक है, आपको पता होगा टेम्पलेट्स के बारे में। जिस तरह से हमें कोई ना कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ता है अपना काम करने के लिए, एक्टिविटी जो भी हमें करनी है परफॉर्म करनी है उसके लिए हमें कोई ना कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते। इसी तरह से अगर आप बाकी टेम्पलेट्स को देखें तो वो भी एमएस वर्ड के ऊपर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पिक्चर या किसी दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर वो बना के यहाँ पे उन्होंने रखे हुए। टेम्पलेट्स का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को सीवी बनानी हो और उसको एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, उसको नहीं पता कहाँ से बोल्ड हो सकता है, कहाँ से ये मुझे अलाइनमेंट करनी है, ये किस तरह से होगी, या मुझे कोई आइकन चाहिए वो किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ करते हैं। या अगर किसी को कुछ आता है लेकिन उस 100% नहीं आता तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम फॉर्मेटिंग लेआउट डिज़ाइन वो होता है, जस्ट आपको क्या करना होता है, एडिटिंग करनी होती है। कोई भी काम हो लिख कोई भी सकता है, ठीक है, लिख कोई भी सकता है, मेन काम होता है उस काम के ऊपर फॉर्मेटिंग और लेआउट कैसे सेट होगा। हर डॉक्यूमेंट्स का जो लेआउट होता है, जो फॉर्मेटिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो डेफिनेट आपको उसके बारे में तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं टेबल्स, जितने भी आपको मैं टेम्पलेट्स दिखाऊंगा वो आप देखेंगे टेबल्स के ऊपर बने हुए। उसका फायदा क्या है, हम आज का टॉपिक भी देखेंगे उसके अंदर भी, उसके बाद तो हमें काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन टेबल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर किसी पर्सन को एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं या थोड़ी बहुत हाउ नो रखता है तो वो इजी से क्या कर सके, काम कर सके। अब आप देखते हो डिफरेंट, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े होते हैं और कुछ डिज़ाइनर वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं और वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं जिनके तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट करके उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो काम किया गया होता है उसकी जो विड्थ और हाइट होती है वो चेंज नहीं होती जब तक हम खुद चेंज ना कर दें। उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं होती, उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं होती, ये सब चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, शेयर स्क्रीन किया मैंने। यहाँ पे ये देखें, ये बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये जितने भी आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं ये सब टेम्पलेट्स अगर आपको मैं दिखाऊँ ये कहाँ किस पे बने हुए हैं, टेबल के ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लायर की बात करूं तो फ्लायर के अंदर भी बहुत सारे फ्लायर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हमने इन्होंने क्या किया, टेबल के थ्रू डिज़ाइन करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। हम देखते हैं, ये देख लेते हैं, इसको हमने क्लिक किया, क्रिएट किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने माउस लेके आता हूँ, ये देखिए, प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर दी ताकि ऊपर, जैसे मैंने माउस लेके आया हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये टेबल पे बना हुआ है। आप लोगों को पता चला ये टेबल पे बना है या नहीं, मतलब इस जो फॉर्मेट जो आपके पास फ्लायर हम देख रहे हैं आप डिस्प्ले है, मैं जैसे ही माउस लेके आया हूँ मुझे पता चल गया कि ये जो फॉर्मेट है, लेआउट है ये टेबल के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। कैसे पता चला, मैंने कहीं पर क्लिक भी नहीं किया देन फिर भी मुझे पता चल गया कि भाई इस जो फ्लायर है इसका लेआउट टेबल के थ्रू सेट किया गया। कौन सी लाइंस, कुछ भी शो नहीं कर रहा, लाइंस ऐसी कुछ भी शो नहीं कर रही जिसके थ्रू हम बता सकें कि ये टेबल के थ्रू बना है।
तो हमें एक सबसे पहले रेहाना हनीफ, ठीक है, उनका सबसे पहले आंसर आया है कि सर लेफ्ट साइड पे टॉप पे एक प्लस का आइकन बना हुआ है। जी बिल्कुल, इसी आइकन को देखते हुए मैंने आपको कहा कि ये जो लेआउट है वो टेबल के ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, टेबल जो लेआउट है उसको टेबल के ऊपर क्रिएट किया, ठीक है। देन उसके बाद टेबल्स की जो लाइंस थी, बॉर्डर्स थे, उनको नो बॉर्डर कर दिया। क्या कर दिया, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद भी जो टेबल का लेआउट है वो वैसे ही रह गया। ऐसा नहीं है कि हम उसका नो बॉर्डर कर देंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा या खराब हो जाएगा, नहीं। जो उसकी विड्थ हाइट कॉलम डिवाइड हुए हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर टॉप पे टैब्स के सेक्शन में अगर आप देखें तो टेबल टूल्स अपेयर हो गया, जहाँ पे डिज़ाइन का और लेआउट का एडिशनल टैब आपके पास अपेयर हो चुका है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया मुझे पता चल गया। अगर आपको प्लस से आइडिया नहीं हो सकता तो आप टेक्स्ट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो टेबल यूज़ हुआ होगा तो आपके पास ये एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा। जैसे ही मैं साइड पे आके बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये आई ऑफ सब टेबल पे उन्होंने बनाया हुआ है, नीचे आ गया ये देखो, ठीक है। तो उसने साइड पे कर दिए, देखें, ठीक है। तो अब ये देखें इन्होंने ये टेबल पे क्यों बनाया, मैं ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसने मुझे बताया थी कि भाई एक इस तरह से एक रो आ रही है, फिर ये रो है, फिर एक रो ये ली हुई है, फिर इसके अंदर ये रोज और कॉलम इन्होंने डिवाइड किए हुए। डिज़ाइन के टैब पे आया, बॉर्डर्स पे आया और मैंने इसको क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर। अब जहाँ मतलब जो उन्होंने लेआउट इसका डिज़ाइन किया गया था वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा क्या है, अगर कोई यहाँ पे प्लीज ज्वाइन की जगह कोई भी टैक्स फॉर एग्जांपल रिमूव कर देता है तो ये टैक्स आपका ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये वजह है, रीजन है। दूसरा कि कोई भी यहाँ पे टैक्स लिखना चाहेगा तो बिल्कुल सेम वही लेआउट वही पोजीशन रहेगी जहां पे ऑलरेडी पहले से टैक्स मौजूद था, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो देखें तमाम वही चीज आपके पास रहेगी, ठीक है, वही चीज आपके पास रहेगी, जो अलाइनमेंट हुई हुई है सब चीजें वही रहेंगी, टैक्स भी आपका सेंटर में आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये टैक्स ऊपर आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर्स मतलब रो वाइज उसको सेपरेट किया हुआ है, मतलब नीचे वाला टैक्स ऊपर नहीं आ सकता। जो टैक्स आप लिखेंगे तो वो इसी रोज के बिटवीन ही आपके पास शो होगा, ठीक है। ये देखिए सारा टेबल पे अब अलग अलग, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संडे की जगह कुछ और नंबर हमें टाइप करना है तो अगर ये टेबल नहीं होता तो मैं क्या करता, इसको डिलीट करता, तो ये लेफ्ट वाली वैल्यूज टैक्स आपका, राइट वाला टैक्स आपका इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया एक बॉक्स बना दिया, अगर कोई टैक्स लिखा जाएगा तो वो इसी पोजिशन में इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका साइज कम कर सकता हूँ, इसका कलर कम चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब इसका फायदा वही चीज कि जिसको नहीं पता टेबल किस तरह से क्रिएट हो सकता है, हम किस तरह से लेआउट सेट कर सकते हैं, अब उनके लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो जस्ट क्या करें, टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें और इजी से अपना वर्क कर सकें। लेकिन हम यहाँ पे आपको A to Z तमाम चीज़ें कि खुद से आप लेआउट किस तरह से बना सकते हैं। ये तो एक छोटा सा फ्लायर हो गया। इसी तरह से मैं बैक जाता हूँ, फाइल न्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इस CV पे क्लिक कर देता हूँ या मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ब्रोशर के ऊपर। अब ये भी देखिएगा, अब ये देखो ये भी टेबल पे बना हुआ है। क्यों, जितने भी आप टेम्पलेट देखेंगे 95% वो टेबल पे ही आपको नजर आएंगे। उसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, कि इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना, एडिटिंग करना बहुत इजी होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वर्ड की हाउ नाउ नहीं भी है तो वो भी टेक्स्ट क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट अगर मैं इसको बॉर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है, डिज़ाइन पे आया और बॉर्डर्स पे आने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे मैंने क्लिक कर दिया, देख रहे हैं आप।
नीचे वाला अलग है, इसको भी मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, देख अब ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला टेक्स्ट डिलीट करूं तो ये ऊपर आ जाए, नहीं, क्योंकि उसको हमने एक लेआउट सेट किया हुआ है कि उसको बताया कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा वो कहीं पे मूव नहीं होगा जब तक हम बॉर्डर्स को मर्ज ना कर दें, जो इसका स्प्लिट हुआ हुआ है उसको या तो मर्ज ना कर दें या तो उसके बॉर्डर को हम रिमूव ना कर दें। ठीक है, इसी तरह से आप जितनी भी डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यू पे आए हम, यहाँ पे किसी भी जो भी आप डॉक्यूमेंट देखना चाहें 95% आपको क्या होगा टेबल्स पे, अगर मैं ये वाली बात करता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप देखें, तमाम काम ये देखें, ये भी टेबल के ऊपर बना हुआ, ये देखें। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं यहां से टेक्स्ट डिलीट करूंगा, आपने देखा होगा हम एक जगह से टेक्स्ट डिलीट करते हैं, जैसे ये देखें इसका एक ही एरिया असाइन किया गया, यहां से लेके यहां तक एक ही एरिया है। अब ये देखो, मैं अगर यहां से टेक्स्ट डिलीट करता हूं, ये वाला एक पैराग्राफ में डिलीट करता हूं, तो क्या होगा, नीचे वाला टेक्स्ट थोड़ा सा आपके पास ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, ये देखें। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये देखें, ये देखें, क्यों, क्योंकि ये लेआउट को सेपरेट कर रहा है, जो टेबल है ना उसने कहा कि भाई इतना नीचे वाला टेक्स्ट अपने ही लेआउट में रहेगा, अपने ही बाउंड्री में रहेगा, ये ऊपर या लेफ्ट राइट नहीं होगा जब तक आप खुद इसको मर्ज सेल ना कर दो या इसके सेल को रिमूव ना कर दो। ठीक है, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये सारा काम टेबल के ऊपर हुआ है, पिक्चर्स के अलावा जो भी आप डिजाइनिंग देख रहे होते हैं वो सब वर्ड के अंदर ही, ऐसा नहीं है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे आई है, जो फर्स्ट नेम सर नेम के नीचे लाइन है, ये कैसे आई है, मुझे कोई बताएगा ये लाइन कैसे आई? बॉर्डर के थ्रू आई है, वेल डन। ठीक है, ये लाइन आपकी बॉर्डर के थ्रू आई हुई है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बॉर्डर, और इसको मैं कर देता हूँ, इसने स्प्लिट, देखते हैं क्या हो गया। अच्छा, इन्होंने डिफरेंट तरीके से लाइन लगाई है। आप ये बॉर्डर के थ्रू भी लाइन लगा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप ये बॉर्डर के थ्रू भी लगा सकते हो। ठीक है, ये और किस तरह से लगा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये सब काम टेबल के थ्रू आपने देखा कि जितने भी आप असाइनमेंट्स देखेंगे, जितने भी आप टेम्पलेट्स देखेंगे वो तमाम के तमाम आपको एमएस वर्ड पे ही नजर आएंगे, कोई बाहर से थर्ड कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हुए टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं किए जाते हैं, ये तमाम टेम्पलेट्स वर्ड के टूल्स कमांड को यूज करते हुए वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, जितने भी आप टेम्पलेट देखेंगे 95% आपको क्या होगा, टेबल्स का लेआउट ही नजर आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एडिटिंग करना बहुत इजी होता है। ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, आई होप ये आपको समझ में आया होगा तमाम चीजें। हम डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। और
वर्ड ओपन कर लिया हमने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है अभी अगर आप देखें तो 2 पेजेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, वो एक से ज्यादा जितने भी आप पेज चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे आपने एक चीज समझनी है, क्या एक चीज समझनी, मैंने फर्स्ट पेज का जो टेक्स्ट का कलर था ना वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वो चीज क्लियर हो सके। इन कलर हमने इसका कर दिया ऑरेंज या ब्लू, ये कलर कर दिया। सेकंड वाले का कलर हमने कर दिया ऑरेंज, नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नजर ना आए। अब समटाइम क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपको 2 essays ऐसे लिखने होते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, तो आप जब आपका एक ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो क्या सेकंड ऐसे आप सेम पेज से स्टार्ट करते हैं या नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं? अगर आपको 2 essays लिखने के लिए दिए जाते हैं स्कूल से, तो क्या आप जो ऐसे है वो फर्स्ट ऐसे कंप्लीट होने के बाद सेकंड ऐसे स्टार्ट कर देते हो कि सेकंड ऐसे नेक्स्ट न्यू पेज से स्टार्ट करते हो? नेक्स्ट पेज से करते हैं, बिल्कुल। अगर आपको वर्ड के अंदर कोई काम करना हो, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर से कोई टेक्स्ट रिमूव कर देते हो, वाइटनर फिर लगा देते हो, क्या दूसरा टेक्स्ट जो दूसरे ऐसे का टेक्स्ट होता है क्या वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है? नहीं। तो वर्ड के अंदर ये तमाम काम हम पेज ब्रेक के थ्रू करते हैं। किस कमांड से करते हैं? पेज ब्रेक के थ्रू। अब ये देखें, अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट पेज का जो कलर था ना उसका जो टेक्स्ट था उसको मैंने ब्लू कर दिया, सेकंड पेज में जो टेक्स्ट है, फर्स्ट पेज का जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू है, सेकंड पेज का कलर टेक्स्ट का कलर ऑरेंज है। अब जैसे ही मैं यहाँ से एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ डिलीट करता हूँ तो नीचे वाला जितना भी टेक्स्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? जितना भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो वाइट स्पेस आ गई ना तो वो उसकी जगह ले लेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है फर्स्ट पेज के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डिलीट करूं या ऐड करूं तो ये सेकंड पेज वाला टेक्स्ट फर्स्ट पेज में ना आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहां पर कर्सर रखा, ठीक है, और क्या कर दिया, इंसर्ट, और यहां पे मेरे पास आ रहा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करोगे तो वो कह रहा है एंड द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब जहां पे इंस्ट्रक्शन पॉइंट रख के कंट्रोल एंटर या पेज ब्रेक की कमांड यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वहां पे आपका पेज ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट पेज न्यू पेज से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहां पे कर्सर रखा और इसको कहा पेज ब्रेक, ओके हो गया। अब ये देखें, मैं यहां से इसका टेक्स्ट रिमूव करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। आया टेक्स्ट आप ऊपर? आया टेक्स्ट नहीं, क्योंकि हमने इसको बता दिया यहां पे तुमने क्या करो, पेज को ब्रेक कर दो, हमारा टेक्स्ट जितना मर्जी कम हो तुम सेकंड पेज का टेक्स्ट फर्स्ट पेज में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। आपसे अब तुम सेकंड पेज का जो भी टेक्स्ट है वो फर्स्ट पेज में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका जितना भी आपके पास एक पैराग्राफ हो या 2 पैराग्राफ हो, अब उसके अलावा वो आपका टेक्स्ट ऐड नहीं करेगा। मतलब ये देखें, सेकंड पेज वाला टेक्स्ट आपका ऊपर नहीं आएगा। अगर मैं पेज ब्रेक नहीं करता तो क्या होता कि सेकंड पेज वाला जितना भी टेक्स्ट है वो फर्स्ट पेज में जितना आ सकता होता वो ऊपर आ जाता। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, ठीक है, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया,
इसको मैंने सेंटर कर दिया, एंटर कर दिया, कंट्रोल स्पेस कर दिया, कंट्रोल एल कर दिया और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट माइसेल्फ का मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो टैग, अब मुझे सेकंड ऐसे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा या तो इंसर्ट में आके क्या कर दूंगा, पेज ब्रेक, क्या कर दूंगा, पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पेज को यहाँ पे एंड कर देगा और मुझे न्यू एक पेज दे देगा। ये देखें, अब यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो फर्स्ट पेज में ऐड नहीं होगा, वो फर्स्ट पेज में ऐड नहीं होगा। इसी तरह से हमें कोई ब्लैंक पेज चाहिए तो ये देखें ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लियर, पेज ब्रेक समझ में आया। इसी तरह से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, ब्लैंक पेज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट हम रख के पेज ब्रेक को करेंगे वहां पे वो क्या करेगा, आपके पेज को ब्रेक कर देगा और उसके बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। या तो आप टेक्स्ट लिखने के बाद उसको कर दो या टेक्स्ट के बाद, जो भी आपको डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको इजी लगता है वैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे जाके इसको बहुत मजीद इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ये कोर्स ऐसा है, अगर आप ये चीज़ें मतलब कि एमएस वर्ड आपको सही से समझ में आ जाए, आप इस तमाम कमांड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हो, प्रोग्रामिंग में जाते हो, तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मैंने आपको बताया कि मैं जिस तरह से आप आगे जाके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब कि एडोब इलस्ट्रेटर देखेंगे, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सिमिलर मिलेंगी। ठीक है, जो आज हम काम देखने जा रहे हैं, ये काम हमने पेंट के अंदर भी किया था लेकिन इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो अब हम शेप के ऊपर आते हैं। अब आपने देखा होगा पेंट के अंदर हमने शेप्स यूज की थी। जी जल्दी से बताएं, पेंट में आपने शेप यूज की थी? मैं देख रहा हूँ रेहाना हनीफ सबसे पहले उनका मैसेज आता है। अच्छा, शेप से हम क्या कर सकते थे, कोई भी चीज डिजाइन कर सकते थे, हमारे पास डिफरेंट शेप्स थी। अब पेंट के अंदर क्या था, हमारे पास चंद मतलब 10 से 12 शेप्स थी जिनकी मदद से हम कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन वर्ड के अंदर जो शेप्स हैं बहुत ज्यादा है, हमारे पास वर्ड के अंदर शेप्स बहुत ज्यादा है। कुछ काम वैसा ही है जो हमने पेंट में देखा था लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है जिसको आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उनको हम रीडअप करेंगे और उन चीज़ों की शेप्स की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं तो जल्दी से आप इसको पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस, अभी मेरी एकदम नज़र पड़ी लाइव, हमारे पास 88 स्टूडेंट्स है यार। चले कोई बात नहीं, समटाइम है ना जब इस तरह से स्टूडेंट का रेशियो नज़र आता है ना तो मुझे अक्सर ऐसा फील होता है कि काश शायद मैं सही से आपको पढ़ा नहीं पा रहा, ऐसा लग है। जी नहीं, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो मेरे से भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती हैं शायद। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा।
अगर मैं बहुत अच्छा टीच कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बेस्ट टीचर, तो ये लेकिन इस तरह से स्टूडेंट जब ड्रॉप होते ना तो थोड़ा सा ना दिल दुखता है हमारा, ज़्यादा दुखेगा तो फिर हम आपके सामने थोड़ी रहेंगे, तो थोड़ा सा दिल हार्ड होता है कि शायद हम आपको सही से टीच नहीं कर पा रहे, तो जो जिस वजह से आप ऐसा तो नहीं है सब कोई भी टीचर पूछता हो तो सबको कहते हो सर यू आर बेस्ट टीचर, ऐसा तो नहीं हो करते लेकिन आप ये सोचे ठीक है बिजी हो सकते हैं, लाइट का इश्यू हो सकता है, अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट ना करें, एक आपको चांस मिला है तो आप उसको अवेल करें। हमारे पास आपने देखा सैलानी कितनी एफर्ट कर रहा है, आप ठीक है आप मैं तो कर ही रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है, लेकिन सैलानी मेन जो रोल पे कर रहा है वो सैलानी कर रहा है। जी बिल्कुल, जिन्हें पढ़ने का शौक होता है, हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश जो है पर्सनली मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और जो फर्स्ट क्लास से हमारे साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो लास्ट क्लास तक कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं है, अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं टेक्नो किड्स 1 2, अभी तक मेरे पास उन स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर आज हमने ये बनाया ये देखें, सर आज ना हमारी क्लास में एक्सेल पढ़ाया गया था, मुझे जो टीचर पढ़ा रही थी वो सब चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। तो एक चांस आपको मिला है यार, साया ना करें ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर वीडियोस व्लॉग्स भी देखते हो ना, 2 घंटे हमने जो आपका कोर्स डिजाइन किया है, जो टाइम रखा हमने देखे वेडनेसडे फ्राइडे संडे रखा ठीक है, ताकि आप लोग स्कूल्स का भी काम कर सके और देन जो आपके ये अदर एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में भी बता रहे हैं ये भी आप सीख सकें, अगर आप सीख जाते हैं इसमें बेनिफिट आपका होगा, आपका बेनिफिट होगा। तो क्लास मिस करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता ना कि सर घर बैठना यार तबीयत नहीं ठीक, कोई मसला नहीं लाइट ये हुई मोबाइल पे क्लास ले लो, आप कौन सा हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हो, नेट सबके पास होता है ठीक है, पैकेज सबने किया होता है, ऐसा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं शेप्स, हमने अब शेप्स जो माइंड थिंकिंग लेके आपने पेंट के ऊपर एक्टिविटीज की थी वही माइंड थिंकिंग लेके आप आगे जिस भी डिजाइनिंग, अब शेप क्या है आप शेप की मदद से कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे ही है अब वर्ड के अंदर भी आप शेप्स की मदद से कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से वहां पे हमने फ्लैग बनाए थे, लोगोस बनाए थे, कार बनाई थी, मिकी माउस बनाया था, स्माइली फेस बनाया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बहुत अच्छी चीजें बनाई थी, वो सब काम भी आप इसमें से इसमें कर सकते हो, इसमें मजीद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन कुछ चंद जो पेंट के अंदर काम था वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा ठीक है, एक दो ऐसे होंगे पॉइंट्स, बाकी बहुत उससे ज्यादा ही ये आपको मिलेगा। तो आई थिंक अजान हो रही है, हम अजान का ब्रेक लेते हैं फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, तब तक किसी ने पानी पीना है पानी पी लो, खाना तो नहीं खाते होगे आप लोग इस टाइम, तो खाना नहीं खाते होगे,
सबके शो होंगे, सबके शो होंगे। जब आप हमारे पास आएंगे, ठीक है, आप जब आप टेस्ट देंगे, उस टेस्ट के बिहाव पे हम आपके असाइनमेंट्स को सामने रखेंगे, फिर आपके नंबर्स मार्क होंगे, मार्किंग की जाएंगी असाइनमेंट्स की, फिर आपकी पोजीशन, फिर पोजीशन के बिहाव पे आपको अच्छे अच्छे से गिफ्ट भी मिलेंगे सैलानी की तरफ से। तो आसान हो रही है, 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको, ठीक है, बहुत जल्दी आपको हम अपने मेहमान बनाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए सब्र। नहीं, 2-3 महीने बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, मैं देख रहा था कुछ 2-3 स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2 से 3 मंथ, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही, हम एक छोटा सा आपको बताया था कि टेक्नो किड्स 2 की हमने एनुअल सेरेमनी करनी है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको भी हम इनवाइट करेंगे, तो इस वजह से, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हमने प्लान की हुई हैं अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहे तो। ठीक है, इस कोर्स के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बताते हैं लेकिन हर क्लास में नहीं बताएंगे, स्टार्ट करेंगे। टाइम वैसे ही बहुत, बातें आज बहुत ज़्यादा कर ली हमने, तो मेन काम हमारा पढ़ने का है, तो हम पढ़ेंगे अभी। तो पढ़ेंगे क्या, भूल ना क्यों, शेप्स। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से आपने माइंड थिंकिंग लेके आपने क्या किया था, पेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें बना के सेंड की थी, इसी तरह से इसके अंदर भी आप हमें बहुत सारी चीज़ें बना के सेंड करेंगे। ठीक हो गया, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन, न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, इंसर्ट के टैब में आता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपने इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो वो इंसर्ट के टैब से होगी। शेप हो गई, पिक्चर्स हो गई, टेबल, हेडर, फुटर, हाइपरलिंक, बुकमार्क, वर्ड आर्ट, टाइम, डेट, सिंबल्स, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो वो आप इंसर्ट के टैब से करेंगे। तो शेप से पहले पिक्चर्स का आया है, तो पिक्चर्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, शेप से पहले हम पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड के अंदर भी हम पिक्चर्स की जो कमांड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एमएस वर्ड यूज़ करना होता है। अब समटाइम हमें क्या होता है, मुझे एक जगह पे पिक्चर अपनी अप्लाई करनी है, अपलोड करनी है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पिक्चर है उसका वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो पिक्चर्स हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, अब वाइट ब्लू बैकग्राउंड क्या करें, हम क्या करते हैं, स्पेशल स्टूडियो में जाते हैं या तो घर पर क्या करते हैं, ट्रिक यूज़ करते हैं, पीछे ब्लू लगा देते हैं, ठीक है, क्लॉथ वगैरह, तो फिर हम कैप्चर कर लेते हैं। वाइट तो हमारी वॉल होती है, तो वाइट से तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर कोई ऐसी पिक्चर है जो ऑलरेडी है और वो आपको लगानी है, उसका बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, अक्सर आपने कलर बुक्स में देखा होगा, जो आपकी कलर बुक्स होती हैं, जिस कलर का टेक्स्ट होता है उसी कलर का आपके, उसी कलर की आपके पास पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी देखा था, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर शेडो वगैरह, रिफ्लेक्शन ग्लो, इसी तरह से हम पिक्चर्स के अंदर भी शेडोज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम उसको ग्लो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम। पिक्चर पे आता हूँ मैं, और कोई पिक्चर ऐसी देखते हैं हमारे पास कोई पिक्चर मिल जाए। टी में हम डेस्कटॉप डेटा पे आते हैं, कोई पिक्चर ऐसी मिल जाए जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। अब तो हम ओके, ये मैसी की ये पिक्चर मैंने ले ली। अब जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते तो आपके पास क्या होता है, एक एडिशनल टैब अपेयर हो जाता है पिक्चर टूल्स का। ये तब भी आपके पास अपेयर होगा जब आपने पिक्चर को क्लिक किया होगा, जब आपकी पिक्चर एक्टिव है, जिस तरह से टेबल का आपने देखा था। जैसे मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये एडिशनल टैब हाइड हो जाएगा, अगेन मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास अपेयर हो गया पिक्चर टूल्स का, और उसके अंदर फॉर्मेटिंग, पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है आप इस फॉर्मेट के टैब के थ्रू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है, जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपकी पिक्चर लॉक होती है, मतलब कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, मूव, ठीक है, ये देखें, समटाइम आपकी पिक्चर मूव भी हो जाती है लेकिन फ्री हैंड मूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी पिक्चर लॉक होती है, जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपकी पिक्चर लॉक होती है। तो हम क्या करते हैं, आप अगर पिक्चर के राइट साइड पे देखो तो ये बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लेआउट ऑप्शन। हम यहाँ पे माउस किया तो ये देखो लेआउट ऑप्शन आपके पास शो हो गया। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये इस ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, दो पार्ट इसके अंदर सेक्शन डिवाइड हुए, इनलाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग। अब बाय डिफॉल्ट जो आपका लेआउट सेट होता है वो होता है इनलाइन विद टेक्स्ट, मतलब कि अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइंस हैं ये आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जी आप हाफ सर्कल देखो तो ये आपके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पिक्चर्स भी आ जाती हैं, शेप्स भी आ जाती हैं। ठीक है, पिक्चर्स भी आ जाती हैं और शेप्स भी आ जाती हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनलाइन विद टेक्स्ट कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा तो आप उस टेक्स्ट के अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट राइट साइड पर नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ,
पिक्चर को हम डिलीट कर देते हैं और मैं क्वीन टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि जहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वहीं पे वो पिक्चर इंसर्ट करेगा। ये सब चीज़ें तो आपको पता चल चुकी होंगी। ये देखें, अब ये देखें मैं नीचे कर रहा हूँ मेरी पिक्चर, लेकिन इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है वो इनलाइन विद टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें विद टेक्स्ट रैपिंग, तो ये क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को रैप कर देगा। यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, अगर हम स्क्वायर कर देते तो हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, जहाँ चाहे हम मूव कर सकते हैं। अभी ये देखें मैं इससे आगे मूव नहीं कर सकता, ये देखें, ठीक है, इसी तरह से ये लाइन आपके टेक्स्ट के बिटवीन क्या होगा। अब मैं स्क्वायर पे करता हूँ तो ये देखें जहाँ पे मैं पिक्चर लेके जाना चाहूँ मैं लेके जा सकता हूँ इजी से, ये देखें, ठीक है। तो हम जब भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हम उसको स्क्वायर पे क्लिक कर देते हैं, लाजमी नहीं है कि स्क्वायर पे क्लिक करें, जो हमारा सूटेबल जो हमारा लेआउट जिस तरह से हम बना रहे होते हैं उसको देखते हुए हम यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह से आपका टाइट, ठीक है, टाइट में क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा टेक्स्ट पास पास आ जाएगा। इसी तरह से ये देखें थ्रो, इसी तरह से आपके पास आगे टॉप एंड बॉटम, बिल्कुल इसी तरह से ये क्या करेगा, आपकी पिक्चर तो बिल्कुल फ्री हो जाएगी लेकिन टॉप बॉटम टेक्स्ट जो आपका आएगा वो टॉप पे और बॉटम पे साइडों पे लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट नहीं आएगा। ये देखें पिक्चर अभी भी आपकी फ्री है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आ रहा है बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब क्या होगा, टेक्स्ट के बैक पे चले जाएगा, ठीक है, ये आपकी पिक्चर आप देखें तो ये आपके टेक्स्ट के बैक पे चलेगी। इसी तरह से आपके पास आ रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर जो फॉर्मेट्स है वो हम समझते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे यार, ये इस तरह की बातें जब करते हो ना आप लोग दिल तोड़ते थे हम, ठीक है, बहुत डिसाइड करते हो। आप इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे आएंगे और आप सिंपल सा जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी उस लोकेशन पे आप जाएंगे और पिक्चर पे आप डबल क्लिक कर देंगे, आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो वो आपको मैंने बताया है कि वो आपकी लोगों की फ्री हैंड, आप उसको मूव नहीं कर सकते। ये देखो, ये देखो, मैं क्या करूँगा, लेआउट ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपनी पिक्चर को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे फॉर्मेट के टाइम में हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। मैंने जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये देखें अब ये क्या कर रहा है कि जो आपका पिंक एरिया है जो आप देख रहे हैं पिंक पर्पल टाइप, ठीक है, अब ये तमाम एरिया को रिमूव कर देगा। अगर मैं कीप चेंजिंग करूंगा तो इसके देखिएगा हेड को भी ये रिमूव कर देगा, इसके हैंड को भी रिमूव कर देगा नीचे से, ये देखें, ये देखें, ठीक है, बट मुझे तो ऐसा नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा रिमूव बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा इसका हम साइज एडजस्ट कर लेते हैं अपने जिस तरह से हमें चाहिए, ये देखें, ठीक है। अब मैंने साइज इसका कम कर दिया बट फिर भी अगर आप गौर से देखें तो ये क्या कर रहा है, इसकी ये शर्ट यहां से इसको भी क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखें, ठीक है। तो मुझे यहां से रिमूव नहीं करना, मैं चाहता हूं कि पूरी इसकी ये शर्ट नजर आए। तो यहां पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मार्क एरिया टू कीप, मतलब मार्क एरिया टू कीप, जो एरिया आपको चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास आ रहा है मार्क एरिया टू रिमूव, मतलब कि कोई एरिया अगर आपको रिमूव करना है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसका हेड रिमूव करना है, तो अभी तो ये इसको रिमूव नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा मार्क एरिया टू रिमूव को सिलेक्ट करूँगा और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिससे वो क्या करेगा, इस एरिया को भी रिमूव कर देगा। मार्क एरिया टू कीप पे हम आते हैं, तो ये देखें मैंने क्या किया, मेरे पास पेंसिल आ गई, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से इसके यहाँ तक, ये देखें। अब मैंने जैसे ही लाइन ड्रॉ की तो ये चीज़ भी आ रही है, अब इसने इसका भी कलर हटा दिया, तो मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ, हमें इसको मैं इस तरह से लाइन लगा के देखता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ इस एरिया को नहीं उसने किया, अब मार्क टू एरिया टू रिमूव पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये इस वाले एरिया को इसको रिमूव करते हैं, ये देखें कीप चेंजिंग किया, ये आपका सा आ गया, ठीक है।
ये जो आपके डॉट्स आ रहे हैं इनकी मदद से आप अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। अब इन डॉट की मदद से पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो जिस तरह से भी आपने रोटेट करना है, जिस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाती है करेक्शंस। जी यहाँ तक क्लियर सबको? पिक्चर कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं? जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम पिक्चर आपके लॉक हुई होती है, मतलब कि वो फ्री हैंड नहीं होती, आप अपनी मर्जी से उसको मूव नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, राइट साइड पे एक लेआउट ऑप्शन होता है और पहला उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, इनलाइन विद टेक्स्ट और रैपिंग टेक्स्ट। तो आपने रैपिंग टेक्स्ट में आके कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें अपने काम के मुताबिक, तो आपकी पिक्चर बिल्कुल फ्री हो जाएगी, जहाँ चाहेंगे वहाँ पे मूव हो जाएगी। फिर हमने देखा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो वो जो पिंक पर्पल एरिया आ रहा होता है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये एरिया क्या कर दूंगा मैं, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई एरिया रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उस एरिया के अंदर आप चाहते हैं कि ये एरिया रिमूव ना हो उसको आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास करेक्शंस आ जाती हैं। करेक्शन में क्या होता है, जिस तरह से आप पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट करेक्शंस वगैरह, उसकी ब्राइटनेस वगैरह, शार्पनेस वगैरह को चेंज करते हैं, इसी तरह से हम वर्ड के अंदर भी तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने इसको पिक्चर को डिलीट कर दिया, इंसर्ट पे आता हूँ, अगेन पिक्चर इंसर्ट की मैंने, ठीक है। इसका साइज जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, यही तमाम चीज़ अभी बताई हुई टेक्स्ट रैपिंग। अब ये देखें मैं करेक्शन पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये ब्राइटनेस आपको बता रहा है 40%, ये देखें चेंज हो रहा है इसका थोड़ा सा, ये देखें ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, ये शार्पनेस सॉफ्टनेस के लिए आ रहा है, ये देखें जो भी आपको यहाँ से करेक्शंस करनी है वो आप कर सकते हैं। करेक्शंस के अंदर क्या, ब्राइटनेस और आपकी शार्पनेस वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें हमने ये पिक्चर कर दी, ठीक है। मैं इसका थोड़ा साइज चलो बड़ा ही कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और दोनों का आपको मैं डिफरेंट दिखाता हूँ कि क्या था और हमने इसको क्या बना दिया। ये देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर है और ये हमने एडिट की है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर है और ये हमने क्या कर दिया, उसको एडिट कर दिया, ठीक है। एक और पिक्चर मैंने ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी कॉपी कर ली जिस तरह से आपको बताया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब कलर, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ इसके कलर चेंज करना, तो यहाँ पर आप डिफरेंट कलर्स ये देखें कर सकते हैं, देखें ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसी तरह से कोई दूसरा कलर आपने करना है वो आप कर सकते हो, ऑरेंज ये देखें, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको और ये गोल्ड कलर करना है, ये देखें ग्रीन कलर करना है, ग्रीन कर देंगे, ये देखें। तो हम कलर भी इनके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी फिर कॉपी ले लें ताकि आपको क्या हो, आइडिया हो सके। ये हमारे पास लास्ट वाली जो हमारे पास पिक्चर है वो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, लास्ट वाली हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर है। मैंने अब इसके ऊपर क्लिक किया। आर्टिस्ट इफेक्ट के अंदर जिस तरह से आप स्नैपचैट के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स यूज करते हैं, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर के इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, स्केच पेंटिंग पेंसिल फोटोकॉपी, इस तरह के डिफरेंट आप इफेक्ट्स इसके ऐड कर सकते हैं। ये देखें क्या, ये देखें हमने इसका इफेक्ट चेंज कर दिया।
इसी तरह से हमारे पास आ जाता है चेंज फीचर। चेंज फीचर में क्या होगा कि मतलब चेंज फीचर हम तब यूज़ करते हैं जब हम इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं। हम वो इंसर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज फीचर में क्या होगा, वो कह रहा है चेंज फीचर जो वहाँ पे आपकी पिक्चर ऑलरेडी मौजूद है उसी जगह पे आपको क्या कर देगा, वो पिक्चर ऐड कर देगा। वो कह रहा है चेंज टू अ डिफरेंट पिक्चर प्रीफ्यूजिंग द फॉर्मेटिंग एंड साइज ऑफ द करंट पिक्चर। ठीक है, जो उसका साइज होगा, जो आपका आपने वो कलर्स किए होंगे वो तमाम। ये देखें मैंने क्या किया, इसके ऊपर चेंज पिक्चर कर दिया। इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने इसको नीचे कर दिया, इसको क्लिक किया चेंज पिक्चर, और यहाँ पे हम दूसरी कोई पिक्चर लगा के देखते हैं। ठीक है, उसी जगह पे वो क्या कर देगा, पिक्चर आपकी ऐड कर देगा, जो उसका रियल कलर होगा वही आपका शो होगा। इसी तरह से उसके बाद आपके पास रहता है रिसेंट पिक्चर। रिसेंट पिक्चर पे आप क्लिक कर देते हो तो आपके पास टू ऑप्शन आ रहे हैं, रिसेंट पिक्चर और रिसेंट पिक्चर एंड साइज। रिसेंट पिक्चर करोगे तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो तमाम चेंज हो जाएगी। ये देखें, ठीक, अगर मैं करता हूँ रिसेंट पिक्चर एंड साइज, रिसेंट पिक्चर एंड साइज, तो वो क्या करेगा, उस पिक्चर को फॉर्मेट भी रिमूव कर देगा और साथ साथ उसकी क्या कर देगा, साइज को भी, जो बाय डिफॉल्ट उसका साइज था वो आपके पास आ गया। ये देखें, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, ये देखें, जो भी आप इसको हम कर दें ताकि आपको नजर आता रहे। ये देखें, डिफरेंट आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस फ्रेम आप समझ लें। ये देखें, ठीक है, कोई भी अगर आपने लेना फ्रेम वो आप यूज़ कर सकते हो। अब जब से आप फ्रेम लेते हो तो ये आपका फ्रेम वाइट कलर का आ रहा है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप सिंपल सा क्या करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप करना चाहते हो उसका कलर आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, ये देखें, फिर इसी तरह से आपका सारा पिक्चर इफेक्ट जो हमने टेक्स्ट इफेक्ट में देखा था शेडो, ये देखें शेडो आपका सारा है। ठीक है, ये आपका डिफरेंट शेडोज आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो ये देखें रिफ्लेक्शन आपके पास आ रहे हैं, ग्लो जो हमने देखा था वही तमाम चीज़ें। ये देखें, देखा हमने ये तमाम चीज़ें हमने टेक्स्ट इफेक्ट में भी देखी थी। इसी तरह से पिक्चर के अंदर है, इसी तरह से शेप्स के अंदर है। ठीक है, अब इसी तरह से आपके पास पोजीशन का आपके पास ऑप्शन एक आ रहा है, पोजीशन ऑब्जेक्ट चूज वेयर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपेयर ऑन द पेज। अब इससे क्या होता है कि इस ऑप्शन से आपको वो बता रहा है इनलाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग, ये दोनों वर्ड सेम थे लेकिन वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपकी वो पोजीशन को फ्री करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो पेज के लेफ्ट टॉप पे चले जाएगा। ये देखिए बता रहा है यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने सेलेक्ट किया हो वो पेज के टॉप सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह से वो बता रहा है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पेज के राइट टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह से ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, बता भी रहा है। माउस ओवर करोगे तो वो आपको सजेशन भी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रैप टेक्स्ट आ जाता है, वही तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ से आपका लेआउट ऑप्शन में आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ये हम उसके अंदर ही देखेंगे शेप्स के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप का तो सबको पता होगा, देखता हूँ किस किस को पता है क्रॉप। क्रॉप काटना, कट क्रॉप तो आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, तीन फ्रेंड जब सेल्फी लेते हैं और समटाइम
उससे बात नहीं होती तो आप कहते हैं यार ये पिक्चर तो बहुत अच्छी आई बट क्या करूं इसको मैं क्रॉप करके लगा लेता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जैसे चाहे आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप में क्या होता है कि आप अपनी पिक्चर को रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिग पिक्चर आ रही है जिसके अंदर 3 फ्रेंड्स हैं और मुझे 2 फ्रेंड चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से उसको कट कर सकता हूँ। या कोई चीज़ ऐसी है पिक्चर के अंदर जो मुझे शो नहीं करवानी, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं, मतलब उसको क्रॉप करते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास एक लाइक दिस कोई पिक्चर है, आप इमेजिन कर लें, उस पिक्चर में कुछ पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे फुल पिक्चर शो नहीं करवानी, मुझे बस हाफ पिक्चर शो करवानी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। देखते हैं, लेट्स सी। तो मेरे पास ये पिक्चर, हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर ऐसी ले लेते हैं। ठीक है, पिक्चर्स पिक्चर्स में हमने क्या किया, ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर दिया। ओहो, साइज कितना, यहां से आप पिक्चर का साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें पिक्चर में इसको मूव कर रहा हूँ तो ये फ्री मूव नहीं हो रही है, देखें क्यों, क्योंकि लॉक हुई, तो हम इसको जस्ट लेआउट ऑप्शन पे आएंगे, स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे, अब आराम से हम जहाँ चाहें इसको मूव कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। मैंने क्या किया, क्रॉप पे क्लिक किया, सब पहला ऑप्शन आपका सारा क्रॉप। ठीक है, क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव अनवांटेड पार्ट, जो हमें ज़रूरी नहीं होता है हिस्सा पार्ट, तो वो हम क्रॉप की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो आपके पास ये ब्लैक हैंडल्स कुछ आगे अपेयर्स होंगे, जैसे ही आपने क्रॉप की कमांड के ऊपर क्लिक किया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर मतलब कि ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो चाइल्ड आप देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो लाइन इसके ऊपर माउस लेके आया और माउस से मैंने लेफ्ट क्लिक किया, प्रेस करके मैंने आगे की तरफ इसको मूव कर दिया। ये देखो, अब ये क्या करेगा, इस पार्ट को जो आपके ग्रेस ग्रे में शोर है, इस पार्ट को वो क्या कर देगा, क्रॉप कर देगा, मतलब इसको रिमूव कर देगा। ये देखिए, अब हमारे पास ये पिक्चर बची है। ठीक है, इस पिक्चर, ठीक है, अगर हमें पिक्चर का साइज रिसाइज करना है तो हम यहाँ से पिक्चर का साइज रिसाइज भी कर सकते हैं। देखें, इसके अलावा हमारे पास यहाँ से भी हम किसी भी पिक्चर का साइज रिसाइज कर सकते हैं। देखें, ठीक है, क्रॉप के अंदर एक और चीज बहुत अच्छी है। मैंने मैसी को लिया और मैं क्रॉप पे आता हूँ, और ये क्रॉप में सेकंड ऑप्शन आपका सारा क्रॉप टू शेप। अब यहाँ पे जो ये क्रॉप करेगा, ये शेप के ऊपर क्रॉप करेगा, जो भी आप शेप लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, इसको क्रॉप कर देगा। मैंने ये है, देखिए, क्लियर। अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। किसी भी आप शेप में उसको क्रॉप कर सकते हो, किसी भी जो आपके आ रहे थे ऑप्शन उनको यूज करते हुए आप इसको इजी से क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि वर्ड एम एस वर्ड के अंदर हम कितना कुछ कर सकते हैं जो आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि हम उसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूव तो कर दिया था, तो अब इसके पीछे कलर, जैसे कि ब्लू कलर लगाना, वो कैसे लगाएंगे, वो आप आगे जाके हम देखते हैं शेप की मदद से। क्रॉप, ठीक है, जो हमारा अनवांटेड एरिया होता है उसको हम
क्रॉप के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉप आपका सारा शेप, तो आप क्रॉप करना चाहते हो किसी शेप के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। पिक्चर को रिसाइज करना देख लिया, पिक्चर को बॉर्डर अप्लाई करना हमने देख लिया, पिक्चर्स के बॉर्डर कलर चेंज करना देख लिया, शेडो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, ग्लो देख लिया हमने, ठीक है, चेंज पिक्चर देख लिया हमने, रिसाइज पिक्चर देख लिया, करेक्शंस देख लिए, आर्टिस्ट इफेक्ट देख लिया हमने, ये सब चीजें हमने देखी। यार मैंने तो माइक को कुछ भी नहीं किया, अच्छा क्लास जब स्टार्ट हुई थी बिल्कुल माउस कह रहा हूँ, माइक की सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, मैंने माइक की सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं की, ठीक है। यहां तक क्लियर? जी बिल्कुल, वेनसडे को ओनली बुध वाले दिन हम जो क्लास है वो 6:30 पे स्टार्ट किया करेंगे। आपको ग्रुप पे एक पोलो भी हम कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके, हम आज ही पोलो आपको एक मैसेज सेंड करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे आपकी राय ले सकें, ताकि हमें भी आइडिया हो सके कि कितने स्टूडेंट्स आप वेडनेसडे को 6:30 पे क्लास ले सकते हैं। अगर रेशो कम हुआ तो फिर हम डेफिनेट वही 7 PM पे ही क्लास करेंगे, अदरवाइज 6:30 पे। वन टाइम रिपीट, रिपीट का तो इसमें कोई इशू ही नहीं ना, नहीं रिपीट आप अगेन वीडियो देख सकते हो यार, इसलिए तो हम वीडियो आपकी रिमूव नहीं करते और क्लासेस भी हम आपकी फेसबुक पे लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस का इशू बना हम जूम पे भी ले सकते हैं, जूम पे लेंगे तो हमारा इंटरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ पे वीडियोस किस तरह से आपको सेंड की जाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं यार, सॉरी क्यों बोलते हो, आप छोटे से बच्चे हो, मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ, बस बालों को देख के नहीं समझा करेंगे मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, मैं भी आपकी ही एज का हूँ, ठीक है, मैं भी आपकी एज का हूँ, सेम। तो अब शेप के ऊपर हम चलेंगे, मूव करेंगे टॉपिक अपना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है, बट ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ शेप्स को लेते हुए। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा पिक्चर क्लियर हो गया, पिक्चर्स में किसी को कोई डाउट हो तो वो रिपीट वीडियो देख ले, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चले, तो हमने क्या किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल एन, स्क्रीन शेयर कर दी, कर दी। तो शेप्स पे हम आते हैं, इंसर्ट शेप। अच्छा पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर, पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर सेम है, पिक्चर्स का मींस के वो कह रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर में क्या है कि आप नेट से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर में आप यहाँ पे जो भी पिक्चर लिखोगे, कार्ड लिखोगे, तो कार्ड से रिलेटेड आपके डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी, जो भी आपने इंसर्ट करनी होगी क्लिक करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, और बाद में उसको जो चाहें आप कर सकते हो, जो हमने ऑफलाइन पिक्चर में देखा था, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया और कैंसिल कर दिया, इसने पिक्चर का इंसर्ट की है, ये क्या किया इसने, ऑनलाइन पिक्चर कार, जैसी पिक्चर इंसर्ट होगी तो आपका ये फॉर्मेट का टैब अपीयर हो जाएगा, बाकी फॉर्मेटिंग आपको पता है तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। शेप्स में आते हैं, तो पेंट के अंदर आपने देखा था आपके पास लिमिटेड शेप्स के ऑप्शन थे जिनके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप वो बता रहे हैं इंसर्ट रेडीमेड शेप आपका सच एज अ सर्कल स्क्वायर एंड एरोस डिफरेंट आपके पास शेप्स एंड रेडीमेड उनको यूज करते हुए आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। ये देखें हमारे पास इतनी सारी शेप्स हैं,
जिनको हम यूज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, इन शेप्स की वजह से हम जिस तरह से पेंट के अंदर हमने एक्टिविटीज की थी, इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लाइंस में आता हूँ, और लाइंस पे आने के बाद लाइन पे क्लिक कर दिया, मेरे पास प्लस का आइकन आ गया जिस तरह से आप वहां पे पेंट में देखा था। अब मैं जहां पे क्लिक करके ले माउस को ड्रैग करूंगा, वो मुझे क्या कर देगा, लाइन ड्रॉ कर देगा, ये देखा, ठीक है। जैसे ही लाइन ड्रॉ होगी तो आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा ड्राइंग टूल्स का, जिस तरह से आपने देखा था टेबल्स में, जिस तरह से आपने देखा था पिक्चर्स में, इसी तरह से हमारे पास शेप में भी क्या होता है, ड्राइंग टूल्स अपेयर हो जाता है। जहाँ पे शेप्स यूज हुई होगी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपको टैब अपेयर कर देगा ड्राइंग टूल्स के नाम से। इसका मतलब कि यहाँ पे शेप भी यूज हुई हुई है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। शेप पे आता हूँ, फिर अगेन मैंने लाइन ले ली। अगर मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, अगर मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कौन सी की प्रेस करके रखूंगा, कौन सी की होल्ड करूंगा जी, अगर मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे लाइन शिफ्ट, बिल्कुल इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। देखिए जहाँ पे भी शेप्स यूज होती हैं वहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर चाहिए हो, सर्कल चाहिए हो, तो वहाँ पे शिफ्ट की यूज होती है। ये एंटर वाला कौन आ गया, क्या कंट्रोल वाला, अली वारिस तुम्हें ना मैं पकड़ के, क्लास में बैठा लूंगा। शिफ्ट की से आप क्या कर सकते हो, लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। ये देखें जैसे ही आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे, इंसर्ट करोगे, तो आपके पास क्या ड्राइंग टूल्स का टैब अपेयर हो जाएगा जिसके अंदर फॉर्मेट है। इसी तरह से हम शेप पे आते हैं, डिफरेंट हमारे पास शेप्स, ये देखें, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये देखें जिस तरह से आपने पेंट में देखा था। अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को क्लिक करूंगा और शिफ्ट के बटन से इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखें ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। सर्कल चाहिए, ये हमारे पास ओवल आ गया, सर्कल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके उसको ड्रैग कर देंगे, हमारे पास क्या होगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी आपके यहाँ पे शेप्स हैं, जैसे ही आप शेप इंसर्ट करते तो आपके पास ड्राइंग टूल्स का टैब अपेयर हो जाता है जिसके अंदर फॉर्मेट है, ठीक है। अब वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास टू टाइप्स शेप्स होती है, दो तरह की हमारे पास शेप्स होती हैं। एक शेप्स वो जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक वो शेप जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक वो शेप जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक हो क्या, क्लियर। हमें कैसे पता चलेगा किस शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा जो इन शेप्स को हम मॉडिफाई कर सकते हो उनको भी हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, अभी तक आपने ये समझना है। या तो हम उसको टॉप टू बॉटम मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट पता कैसे चलेगा किन शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स इंसर्ट की हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाइट आप सर्कल देख रहे हो, इनकी मदद से आप शेप को रिसाइज कर सकते हैं जिस तरह से आपने पिक्चर में देखा था। ये आपके पास रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, और यहाँ पे सेम नजर आ रहे पॉइंट्स आपको,
ये सर्कल, बट यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आपको डिफरेंट नजर आ रहा है इन दो शेप्स के अंदर। क्या डिफरेंट नजर आ रहा है इस शेप में, दिस शेप और दिस शेप, क्या डिफरेंट है दोनों में? बिल्कुल राइट, येलो डॉट, ठीक है, येलो डॉट, वन पॉइंट एक्स्ट्रा येलो। अब जहां जिस शेप में आपका येलो डॉट नजर आए उस शेप को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इस शेप को मैं ये शेप भी बना सकता हूं और ये वाली शेप भी बना सकता हूं, मतलब कि इसको मैं स्क्वायर भी बना सकता हूं और इसको मैं सर्कल भी बना सकता हूं। ये देखो स्क्वायर बना के देखते हैं पहले, अब इसको हम सर्कल बना के देखते हैं। ये देखें सर्कल बन गया, इस येलो डॉट की मदद से हम इस शेप को स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैस है ना, अमेजिंग वाली बात। ये ऑप्शन आपको पेंट में नहीं मिला था बट इसमें है ऐसा, ठीक है। आप क्या करेंगे, येलो डॉट पे क्लिक करके माउस को लेफ्ट साइड पे ड्रैग करोगे तो वो आपको स्क्वायर कर देगा, राइट साइड पे ड्रैग करोगे तो वो आपको सर्कल कर देगा, उसके रेडियस को कम या ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियस को कम करेंगे तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी आपका येलो डॉट नहीं आ रहा, तो इसका इट्स मीन कि इस शेप को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हम सर्कल पे क्लिक करते तो यहाँ पे भी येलो डॉट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट इस शेप पे हम क्लिक करते तो यहाँ पे हमारे पास येलो डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी, वाओ, जैसे कि लाइक दिस फ्रेम, देखा आपने, क्लियर। इसी तरह से आपके बहुत सारी शेप्स आ रही हैं, एरोज आपके पास आ रहे हैं, पेशेंट शेप्स आपके पास आ रही हैं, फ्लो चार्ट आपके पास आ रहे हैं, स्टार एंड बैनर्स आपके पास आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कोलाज आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, स्माइली फेस, जैसा कि ड्यूरिंग क्लास आप लोगों का फेस ऐसा होता है, जब आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका फेस ऐसा हो जाता है, ऐसा ही है ना। येलो डॉट जैसे ही आप शेप पे क्लिक करोगे वो खुद ही अपीयर हो जाएगा। मैंने क्या किया, इंसर्ट पे आया शेप्स और मैंने यहाँ पे स्माइली फेस ये आ गया, ये देखें अभी आप सबका फेस ऐसा है, अभी सबका फेस ऐसा है। जैसे ही मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपका फेस ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ पे येलो डॉट आ जाए तो वहाँ पे आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ और शेप्स को देखते हैं। ये देखें, इसको हमने ले लिया,
क्या ये मिरर आप बना सकते हैं, ये देखें कुछ भी आप अगर आप चाहें। ठीक है, डोनट बनाना चाहें डोनट बना सकते हैं, कुछ भी आप चाहें बना सकते हैं। इसी तरह से आप एरो को देख लेते हैं, ये हमारे पास एरो आ रहा है। अब इस एरो पे अगर आप देखें तो टू येलो डॉट्स आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ से हम टू टाइम इस शेप को मॉडिफाई करते कर सकते हैं, टू साइड से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये वाले डॉट पे हम क्लिक करते तो ये देखो वाओ, और हमने तो इसको ट्री बना दिया। बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो ब्लू है, हम कलर भी चेंज करना देखेंगे। थोड़ा सा सब्र रखा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, तमाम चीजें हम देखेंगे। इस डॉट से ये देखें, वाओ ये क्या बन गया, क्या बात है। आपने देखा कि आप किसी भी शेप को किसी तरह से भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कर्व लाइन भी आपके पास आ रही है। ठीक है, कर्व लाइन भी ये देखें, क्लिक किया वाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना कोई नाम कर्व के थ्रू करना है तो मैं शेप पे आता हूँ, कर्व लाइन यूज करता हूँ, और यहाँ पे आपने वो उसके अंदर देखा था पेंट के अंदर कर्व लाइन में आप लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको कर्व करते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको साथ साथ करना होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको साथ साथ करना होगा, इसके अंदर जिस तरह से आपने कर्व लाइन पेंट में देखी थी वो चीज़ नहीं है। ठीक है, या आपके पेंसिल जिस तरह से आप चाहें उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, शेप में कर्व लाइन ले लेते हैं दोबारा से, ये देखें क्लिक किया मैंने, वाह सर ये आर्ट कम लग रहा है और ये हमें मेंढक ज्यादा लग रहा है। तो ये देखिए आप कोई भी शेप जहां पे आपका डिफरेंट शेप्स आ रही है जिनकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, हम तमाम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए की मदद से और इसको हम डिलीट कर दिया। अब हम कलर्स के ऊपर आते हैं, शेप्स कोई भी शेप आपने इंसर्ट की तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो कलर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा। आप शेप फिल में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें जो भी कलर रखना है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता ताकि आपको नजर आ सके, शेप फिल में आएंगे, मींस कि जिस तरह से आप पेंट के अंदर आप करते थे फिल कलर आउटलाइन कलर, इसी तरह से इसके अंदर भी आपके वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये देखिए फिल कलर चेंज करना है, आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपने रखना है आप मोर फिल कलर में भी जा सकते हैं, इस कलर की जगह अगर आपने पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर्स भी लगा सकते हो, ग्रेडिएंट कलर करनी है तो ये आप ग्रेडिएंट कलर भी कर सकते हो। उसके अंदर तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता था, अलग से हमें करना पड़ता था ग्रीन कलर, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये देखें। ठीक है, कोई भी कलर आपने लेना इजी से आप कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अब इसकी आउटलाइन का कलर वो आपको ब्लू आ रहा है, अगर आपने इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज करना है आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है, शेप आउटलाइन में आना है और यहाँ से आके जो भी आपने आउटलाइन का कलर देना है वो आप कलर असाइन कर सकते हो। अगर आपने इसकी नो आउटलाइन करनी है तो आप इसकी आउटलाइन को खत्म भी कर सकते हो।
बाय डिफॉल्ट आता है बेटा, ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका है ब्लू कलर ही आएगा, बाद में हम अपनी मर्जी से कलर उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम बाद में अपनी मर्जी से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरह से आउटलाइन इसकी ख़त्म कर सकते हैं, जो भी आप अपने आउटलाइन रखनी है, आपने आउटलाइन का वेट ज़्यादा करना है आप वो भी कर सकते हैं, ये देखें, इसी तरह से उसका स्टाइल चेंज करना है आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अब जो मैं हमने पिक्चर देखी थी बैकग्राउंड मूव किया था वो आपको दिखाता हूं, अब जादू मैंने क्या किया, रिमूव बैकग्राउंड किया इसका, पिक्चर का साइज को रिसाइज किया और उसको मैंने सेट कर दिया। मैं ना आपसे सबसे बात नहीं करूंगा, ठीक है, आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ और आप लोग इमोजी सेंड कर रहे हैं, आपको टाइम दिया जाता है ना इमोजी सेंड करने का, तो फिर अभी क्यों सेंड कर रहे हो आप, इमोजी सेंड करते हैं आप फोकस आपका आउट हो जाता है, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि सर रिपीट कर दें, या देन आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, उसका रीज़न ही यही होता है कि आप इमोजी या मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं होता। यार शेम यार, सीरियसली बहुत, इंसर्ट पे आए शेप, हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, और जब हम शेप फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते तो हमारे पास जो कलर होता है वो हमारे पास ब्लू कलर शो कर रहा होता है। आप शेप का कलर, फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से शेप का इफेक्ट्स अगर आपने चेंज करना है, शेडो शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हैं, मैं इसको साइड पे करता हूँ, ये देखें शेप शेडो, जो भी आपने शेडो देना है आपको नज़र आ रहा होगा, शेडो आउटर साइड पे है, इसी तरह से इनर साइड पे है, जिस जो भी आपने शेडो देना है वो आप शेडो दे सकते हैं। शेडो ऑप्शन में आप आते हो तो यहाँ पर डिफरेंट आपके शेडोज आ रहे हैं, कितना आपने ब्लर करना है ये देखें, ठीक है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये देखें, मर्जी से यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं, साइज उसका कितना होना चाहिए ये देखें, ठीक है, यहाँ से इसको प्रीसेट भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, ये देखो तो यहाँ से तमाम चीजें आप कर सकते हो, कलर आप चेंज कर सकते हो ऑरेंज, ठीक है, ये देखो आप शेडो का जो कलर, जो भी आपने काम करना है आप उसको इजी से कर सकते हैं, देखो तो शेडो भी हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन वगैरह वही तमाम चीजें जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, शेप इफेक्ट्स में आके शैडो रिफ्लेक्शन ग्लो वगैरह तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। 3D करना चाहते हैं हम 3D इसको कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है ये देखें, ये 3D का लुक देगा, शेप जो भी आपने देना है यहाँ से, ये देखें। अब इसको मैं एक और जादू आपको करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप, जो भी आपने इसको 3D का लुक देना है वो आप दे सकते हैं। इंसर्ट शेप्स, जहां से हम कोई भी शेप ले लेते हैं। अब हम आते हैं कि शेप पे लिख, हम शेप पे लिख भी सकते हैं। अब मैंने राइट क्लिक किया शेप के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऐड टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे जो चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ। लेकिन जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो क्या होगा, सेंटर से टाइप होना स्टार्ट होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइम शॉर्ट है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है, मैं जब ऐड टेक्स्ट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो बिल्कुल सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। हम इस टेक्स्ट की डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं, ये देखें टॉप, इसको हम होम पे आके इसको लेफ्ट कर दें, ये देखें। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट पे आते हैं, शेप, अगेन मैंने शेप ली और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास आ रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें, और मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे अगेन वही टेक्स्ट लिख दिया। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने न्यू ऑब्जेक्ट लिया टेक्स्ट का, तो वो मुझे क्या कर रहा है, वाइट दे रहा है, ठीक है। अब इस तरह से तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं फॉर्मेट पे आऊंगा, उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, शेप फिल पे आऊंगा और इसको मैं कर दूंगा नो फिल, मीन्स नो फिल, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, नो फिल कर दिया इसको। इसी तरह से हमने क्या किया, इसकी आउटलाइन आ रही है, तो मैंने क्या किया, शेप आउटलाइन पे आया और इसको कर दिया नो आउटलाइन। अब ये टेक्स्ट मैं जहाँ चाहूँ उसको मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ, जिस जगह पे चाहूँ। मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट चाहिए, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये देखें, बट इसके अंदर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया, शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने उसको ऐड टेक्स्ट किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का हल भी है, सोल्यूशन भी है, बट इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए इसके साथ टेक्स्ट मूव हो रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट को मैं, इस शेप को मैं जब मूव करूँगा तो टेक्स्ट आपका अलग, ठीक है, उसी जगह पर है, वो साथ मूव नहीं हो रहा, क्यों, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो शेप है वो आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है और जो टेक्स्ट है वो आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ होगा वो ही मूव होगा, ठीक है। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इसका साइज अगर आपने कम करना है आप साइज कम कर दें, जो भी आपने इसका कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, इसको इफेक्ट कोई देना है वो आप तमाम इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखें इसके अफेक्ट्स आपके पास आ गए। साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैंने साइज इसका इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैंने साइज इसका इंक्रीज किया तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, किड्स को हाइड कर दिया। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स का आपका साइज है ना वो स्मॉल है और टेक्स्ट का साइज आपका ज़्यादा है। तो जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो मेरे पास अपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप तमाम चीजें उसको सेट कर सकते हो, ये देखें, इसकी आउटलाइन चेंज करनी है आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने होम के टैब के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हमने ये तमाम चीजें देखी थी, ठीक है।
तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। ओके, अब आगे वही आप टेक्स्ट डायरेक्शन आपको बता दिया, अलाइन टेक्स्ट आपने, पोजीशन पे हम आते हैं तो पोजीशन पे वही तमाम चीज़ें जो हमारे पास पिक्चर में आपने देखे थे, पोजीशन रैप टेक्स्ट वही आपको बता रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। मैंने इन तमाम को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इंसर्ट शेप, हर एक हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं स्माइली फेस, और इसका कलर हम कर देते हैं चेंज, और इसकी आउटलाइन का कलर भी हम कर देते हैं चेंज, ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब जैसे ही मैं अभी आप देखें, मैं स्माइली फेस को जब इस रेक्टेंगल के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये बिल्कुल सही ही आ रहा है, ऐसे ही है, ये देखें, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ होता कि ये इस तरह से ऊपर आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पीछे हाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पीछे चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, ये देखें, ये इसके ऊपर आ रहा है, अगर आप देखें, ये देखें, मुझे स्माइली फेस क्या करना है, रेक्टेंगल के ऊपर चाहिए, तो या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को, स्माइली फेस को क्या करूं, फ्रेंड कर दूं, ठीक है, इसको मैं फ्रेंड पे ले आऊं, या इस वाले रेक्टेंगल को मैं क्या करूं, बैकवर्ड कर दूं, ठीक है। दोनों आप काम कर सकते हो, दोनों में से एक काम, दोनों में से एक काम कोई भी कर सकते हो। अगर मुझे इसके ऊपर करना है तो मैं इसके ऊपर फ्रेंड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, अगर मुझे इसके ऊपर यूज़ करना है तो मैं इसके ऊपर बैक वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको सेंड बैकवर्ड कर दिया, अब ये देखो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये आपके पास स्माइली फेस आया है ये इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्या हो, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, मीन्स के ये यू है या साइड पे भी है, तो मैं चाहता हूँ ये इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की हेल्प से, ठीक है, कंट्रोल की हेल्प से मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, पता कैसे चलेगा, अब मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखा है और जैसे ही मैं कंट्रोल की प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर के साथ प्लस का आइकन आ रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए दोनों आपके सिलेक्ट हो गए, डॉट्स आ रहे हैं दोनों पे। अब मैं अलाइन पे आऊंगा और अलाइन पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, अलाइन सेंटर, ये देखिए सेंटर हो गया बिल्कुल। अब बट ऊपर ज्यादा स्पेस आ रहा है और नीचे अगर आप देखें तो कम स्पेस आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अलाइन पे आने के बाद इसको कर दिया मिडल। तो मैं चाहता हूं कि ये मिडल से भी क्या करे, बिल्कुल सेंटर ले, तो ये देखिए अलाइन मिडल कर दिया, ये बिल्कुल आपका सेंटर में आ गया, ये देखिए। बट अभी भी वही इशू है कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ होगा बस उसी को मूव करेगा, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को एक साथ मूव करे। तो हम क्या करते हैं, इस तमाम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो किस तरह से, ग्रुप के थ्रू। क्या मैं चाहता हूँ, जब भी मैं इसको मूव करूँ, ठीक है, जैसे आप ब्लॉक्स बना ले तो ब्लॉक्स बनाने के बाद आप एक दूसरे को उसके साथ क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, ताकि एक भी ब्लॉक आप उठाओ तो सब ब्लॉक्स उसके साथ मूव हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप पे आया और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब मैं जब इसको मूव करूंगा या इसका साइज को रिसाइज करूंगा तो दोनों का साइज अगर आप देखें कम होगा, ये देखें दोनों का साइज कम होगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज देखते हैं, शेप पे आए और मैंने एक शेप ले ली,
कंट्रोल डी करूंगा इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, ऑल्टर के साथ इसको मैं ड्रैग करूंगा, कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करूंगा देन तब भी इसकी कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल सी वी करूंगा तो देन तब भी इसकी कॉपी एक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट आपको बताया किस तरह से आप शेप्स का डुप्लीकेट ले सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल डी के थ्रू भी कर सकते हो और ऑल्टर कंट्रोल की मदद से भी आप कर सकते हो। अब मेरे पास ये फोर शेप्स हैं, अगर आप ये देखें मेरे पास क्या है, फोर शेप्स हैं। अब हर शेप मेरी अलग पोजीशन पे है, डिफरेंट पोजीशन पे है, तो मुझे इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस पे लेके आना। मैं चाहता हूं मेरी तमाम शेप्स यहां पे आ जाए, मतलब कि इस लाइन के नीचे बिल्कुल, जिस तरह से ये है। तो मैंने क्या किया, तमाम ऑब्जेक्ट को, तमाम शेप को सिलेक्ट किया कंट्रोल की मदद से। ये देखें, फॉर्मेट के टैब पे गया, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में ये मुझे बता रहा है अलाइन लेफ्ट करूंगा तो तमाम ऑब्जेक्ट मेरे लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, ये देखो। ठीक है, मैं सेंटर करूंगा तो तमाम ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर में आ जाएंगे, अलाइन राइट करूंगा तमाम ऑब्जेक्ट मेरे राइट पे आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे करना है अलाइन टॉप, जैसे ही मैं अलाइन टॉप करता हूँ तो ये तमाम ऑब्जेक्ट मेरे क्या होंगे, जो सबसे ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, सबको एडजस्ट कर देगा, ये देखो। ठीक है, अगर मैं इसको करता बॉटम, ठीक है, अलाइन बॉटम, तो मेरा क्या करता है, जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये तमाम शेप्स को नीचे इस के बिल्कुल इक्वल ले आता। ठीक है, ये देखें, अगर मैं करता सेंटर तो वो क्या करता, जो मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर में है उसके अकॉर्डिंग ये ले आता, ये देखो। ओहो, अब सेंटर करो मिडल, ये देखें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको अलाइन टॉप कर दिया। टॉप करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पे स्पेस सब में डिफरेंट आ रहा है, जो स्पेस है, गैप है, वो सब में डिफरेंट आ रहा है। मैं चाहता हूँ सब में जो स्पेस है वो इक्वल हो जाए, तो उसके लिए भी हमें अलाइन का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अलाइन पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। जिस तरह से हमने टेबल के अंदर देखा था डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो, इसी तरह से वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। अगर मैं इसको, मेरा ये शेप्स वर्टिकल में होते तो मैं वर्टिकल वाला ऑप्शन चूज करता, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तमाम शेप्स का जो गैप है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तमाम शेप्स का जो साइज है वो इक्वली क्या कर दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वही बात है, अगर मैं किसी जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है और मैं मूव करूंगा तो वही आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर मुझे सबको मूव करना है तो या तो मैं सबको सिलेक्ट करूँ एक साथ कंट्रोल की मदद से और उनको मैं मूव कर दूँ। दूसरा काम क्या है कि मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और इसको क्या कर दूँ, ग्रुप कर दूँ। ये देखें, अब ये एक ग्रुप हो गए। ठीक है, ये क्या, अब एक ग्रुप हो गया, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स को हमने एक बड़े बॉक्स में ऐड कर दिया। तो अब जब भी हम वो बॉक्स उठाएंगे तो वो जो स्मॉल बॉक्स है वो भी साथ मूव होंगे जो उसके अंदर हमने ऐड किए। देखें, अगर मैं रिसाइज करूंगा तो वो भी आपके रिसाइज होंगे। ठीक है, अब जल्दी से एक हम मैजिक देखते हैं। मैजिक क्या है, ट्रिक की है, मैजिक कोई भी नहीं है। ठीक है, एक ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और मैंने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया और इन सब को मैंने कंट्रोल के बटन से सिलेक्ट कर लिया। अलाइन अलाइन मैंने कर दिया टॉप अलाइन, उसके बाद मैंने कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। ओके, हो गया, सब इनको मैं नीचे भी ले आया बिल्कुल सेम। ठीक है, अब देखें, अब मैंने क्या किया, इन ऑब्जेक्ट को मैं ग्रुप नहीं कर रहा, इन ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप नहीं कर रहा, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले जो रो में मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप पे आया और इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ये अब एक बॉक्स के अंदर आ गए ये चारों, बट ये अभी सेपरेटली है।
आप देख सकते हैं। अब मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया, देन मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, मैं कलर की जगह पिक्चर लगाता हूँ तो सब में अलग अलग पिक्चर्स आएगी, ये देखो। बट अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप में है तो जो भी पिक्चर आएगी वो उसके मेन, अब ये देखिएगा मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, शेप फिल पिक्चर, और यही पिक्चर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखें कुछ पिक्चर इस तरह से आएगी, ये देखें, देखा आपने। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में था तो उसने क्या किया, आपके पिक्चर को अलग अलग बॉक्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमें साइज को रिसाइज करना है, हम उसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर लगा सकते हैं, उसका उसके अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेप्स को हम क्या कर सकते हैं, एक उसको ग्रुप कर सकते हैं, रोटेट करना है आप उसको रोटेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताई, आज हमने पिक्चर्स देखी और इसके अलावा हमने पिक्चर का टैब देखा, पिक्चर की कमांड्स, और इसी तरह से हमने शेप्स की कमांड देखी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको असाइनमेंट भी दिखा दिए जाएं, तो जो आपको बनाने, तो मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ। तो आपको असाइनमेंट दिखाते हैं जो आपने बनाने हैं। एक तो आपने ये लोगो बनाना है, एक तो आपने ये लोगो डिजाइन करना है। जी बिल्कुल, हमें पता है 5 मिनट लेफ्ट, ठीक है, बहुत फिक्र होती है आपको क्लास जल्दी से वाइंड अप हो जाए, ठीक है। तो फिर हम भी इसी तरह से बिल्कुल क्लास पे ही आपका जो लास्ट क्लास में हमने आपको असाइनमेंट दिया था प्रोडक्ट टेबल का, वो मैं बिल्कुल भी आज नहीं देख रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक सब स्टूडेंट्स उसको भी कंप्लीट करके सेंड करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। और एक तो ये आपने लोगो बनाना है, ठीक हो गया, और दूसरा आपने एक ये कार्ड बना के हमें दिखाना है। ये देखें ये कार्ड और ये जो लोगो, जब मैं इसको मूव करूं तो ये सब पार्ट इसके एक साथ मूव होने चाहिए, इसी तरह से कार्ड, ठीक है। कार्ड को मैं मूव करूं तो कार्ड आपका एक साथ क्या हो, मूव हो। और इसके अलावा अगर आप हमें कुछ बना के, ये तो दो चीजें आपने बनानी है, बट इसके अलावा अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा बना के हमें दिखाना हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं। एक तो आपने लोगो बनाना है कॉफी का, जो आपको दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, इसी तरह से एक आपको आईडी कार्ड बनाना है। जब मैं इसको मूव करूं तो ये एक साथ सब चीजें मूव होनी चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड को अगर मैं मूव करूं तो सब जो टेक्स्ट लिखा हो, सैलानी का लोगो है, वो तो सब एक साथ मूव होना चाहिए, क्लियर। इसी तरह से जो लोगो है, लोगो पे मैं क्लिक करूँ तो वो एक साथ आपके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ मूव होने चाहिए।
हमारे पास स्नैप टूल के साथ भी हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास प्रिंटर का ऑप्शन एक आता है, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आता है कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की के साथ। अगर आप देखेंगे प्रिंट स्क्रीन करने के बाद हमें पेंट पे जाके उसको पेस्ट करना होता है, ठीक है? क्लियर? ये दो चीजें तो आपने बनानी ही बनानी है। इसके अलावा कोई कुछ एक्स्ट्रा हमें बना के दिखाना चाहते हैं शेप्स के ऊपर, तो वो भी आप हमें बना के सेंड कर सकते हैं। सलानी कैसे लगेगा? वो सलानी का लोगो जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये आप सर्च करेंगे, ठीक है, सलानी लोगो, तो वो आपको मिल जाएगा। कब भी आप देखिएगा, ठीक है, कब भी आप देखिएगा, तमाम चीज़ें एम्ब्रॉयड पे ही बनेंगी। जो आज के हमने टॉपिक्स देखे थे सब काम वैसे ही होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस वजह से जी बिल्कुल क्लासरूम में मैं सेंड कर रहा हूँ, क्लासरूम में सेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, ठीक है? तो हम 9 PM पे क्लास अपनी वाइंड अप कर देंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। हम आपको इजी भी दे सकते हैं, इजी भी दे सकते हैं। इजी तो आपको मैं पढ़ा भी नहीं रहा, आपने देखा कि मैं आपको बहुत डीपली एक एक चीज के बारे में बताता हूँ और बहुत आराम से, बहुत स्लोली आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है? तो फिर इजी वाला असाइनमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए ना। आप तो मुझे कहा करें सर इससे भी टफ दे, ठीक है, बट आप कहते हैं सर इजी इजी इजी। जी बिल्कुल अटेंडेंस आप लगा दें, ठीक है, और अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। देन इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर तमाम आपके असाइनमेंट चेक होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में तमाम आपके असाइनमेंट चेक होंगे, जो पीरियोडिक टेबल था और आज के जो असाइनमेंट हैं आप लोगो और दूसरा आपके पास आईडी कार्ड। इसके अलावा कुछ और बना के शेप के ऊपर दिखाना चाहिए तो वेल एंड गुड, ठीक है? क्या ज्यादा टफ है असाइनमेंट? जी जी मोबाइल हम देख लेते हैं कोई मैसेज। बहुत इजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जब आप बैठेंगे ना तो आप इससे भी बहुत ज्यादा कुछ बना सके सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी रही तो इसका भी जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? जब आपका फीडबैक आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे पता है आप थोड़ा सा फीडबैक के अंदर थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं कि आप ठीक है। तो यार तो जैसे कि अभी हमें 90 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं असाइनमेंट्स ओपन करूँगा तो वहाँ पे 90 स्टूडेंट्स का एटलीस्ट असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, ठीक है? कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो यार, लेकिन प्लीज़ आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बिल्कुल बात मानते हो, ऐसा नहीं कि बात नहीं मानते,
लेकिन ग्रुप के अंदर अगर किसी एक स्टूडेंट ने एक रिप्लाई कर दी ना, तो देन दूसरा स्टूडेंट रिप्लाई ना करें। आप एक स्टूडेंट ने अगर रिप्लाई कर दिया, किसी ने भी किसी भी कोई क्यूरी है, तो सेकंड स्टूडेंट उसका रिप्लाई ना करें अगर एक स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई दे दिया तो। क्या बस करें, मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने? कुछ किया? असाइनमेंट ही तो देता हूँ आप लोगों को, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ? असाइनमेंट के अलावा मैं कुछ करता हूँ? नहीं ना। आपने तो जस्ट सुनना होता है, मैं तो बोल रहा होता हूँ कंटिन्यूसली, हाँ टुवर्ड्स बोल रहा होता हूँ, ठीक है। अभी से किसी की वॉइस आ गई यार, ये देखो खबरदार प्रोग्राम। ये देखो किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया है, फिर नीचे किसी मैसेज फॉरवर्ड, फॉलो माय पेज आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं इनको रिमूव कर दूं फिर? महक तारिक, ठीक है बेटा, मैं आपको रिमूव कर दूं? मैं भी अपने पेज से क्लासेस ले सकता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। आज मैं देख रहा हूँ कि ये दो तीन स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, मैसेज फॉरवर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं हैंड टू हैंड। महक तारिक, ठीक है, क्या करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, महक तारिक है और दूसरा हमारे पास है मोहम्मद करके कोई स्टूडेंट है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। बहुत यार, अभी मैंने कहा इतने अच्छे बच्चे बन गए हो, तो फिर आप लोगों ने इस तरह से मुझे डिसार्ड कर दिया। तो अभी हम इनको रिमूव करते हैं। मोहम्मद आतिफ महमूद, फिर इनकी मदर की मैसेज आएगा कि मैं जी, जिसको रिमूव कर देंगे वो अब फिर ऐड नहीं हो पाता। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और महक तारिक को भी हम कर देते हैं 2217। तो हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया, आप देख सकते हैं हमने रिमूव कर दिया इन दोनों को। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, प्रीव्यू टेबल का, टेबल के थ्रू ही बनेगा। टेबल
टेबल के थ्रू ही प्रोडक्ट टेबल बनेगा, आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है? आपके पास आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, फिर हम संडे को देखते हैं किसने कितना बनाया और कैसा बनाया है, उनका लेआउट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? तो असाइनमेंट्स अभी अपलोड कर दिए जाएंगे, देन अगर किसी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। और सबने ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।